नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त टेक्निकल फूडी से। आज मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें हम देखेंगे कि एक्सेल में जैसे हमें कोई हमारे पास बहुत सारा डाटा है, उस पर हम अपने हिसाब से फॉर्मेटिंग, अलग अलग सिंगल सिंगल सेल की फॉर्मेटिंग एक साथ कैसे कर सकते हैं। अगर हमने नॉर्मल प्रोसेस में हमें किसे चेक करना हो, जैसे आप देख रहे हैं कि मेरे पास एक लिस्ट है, मैंने देखना हो कि इसमें से 80% के ऊपर नंबर है उस पर ये कलर हो जाए, और 50% से नीचे है उस पर ये कलर हो जाए, या फिर एवरेज के हिसाब से सॉर्ट हो जाए, या इस हिसाब से हम देखना चाहते हैं, तो हमें सिंगल सिंगल पर ढूंढ कर उस पर कलर करना पड़ेगा, या फिर हम इस पर फिल्टर लगाएंगे और फिल्टर लगाकर हम पहले इस पर सेलेक्ट करेंगे, उस पर हम कलर करेंगे। तो ये एक उसमें से भी फिल्टर में कई बार होता है, हमें सेलेक्ट कोई रह जाता है तो उसमें गलत कलर का लग जाता है, तो ये लेंथी प्रोसेस हो जाता है। तो उसमें हम देखेंगे कि आज कैसे एक सिंगल फॉर्मूले से हम इसको फॉर्मेटिंग कर सकते हैं अलग अलग सेल की अपने तरीके से। उसके लिए सबसे पहले हम होम पर, आपने यहाँ पर एक कंडीशनल फॉर्मेटिंग का बटन आ रहा होगा, उस पर क्लिक करेंगे। उसमें आप जैसे क्लिक करेंगे, आपको पहले तो चार पांच प्री डिफाइंड रूल आ जाएंगे। अगर ये आपका इस रूल से बात बन जाती है, जो आप चाहते हैं वो बात बन जाती है, तो ठीक है, नहीं तो आप अपना न्यू रूल करके अपना कस्टम रूल भी क्रिएट कर सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले हम उस लाइन पर सेलेक्ट कर लेंगे जिस पर हमने वो रूल अप्लाई करना है, या उस रेंज को सेलेक्ट कर लेंगे जिस पर हमने वो फॉर्मेटिंग लगानी है। उसके बाद सबसे पहला रूल है हाईलाइट सेल कलर, इससे वो कलर को सेल के कलर को हाईलाइट कर देता है। उसमें हम देखेंगे जैसे कौन सा हमें सेल कलर हाईलाइट करना है। सबसे पहले जैसे हमने किसी चीज़ का देखना है कि इससे ऊपर जिसके नंबर है, जैसे मैं देख रहा हूँ जिसके 60% से ऊपर है उसका कलर हाईलाइट हो जाए। देखिए जिनके 60% से ऊपर है वो ऑटोमेटिक हाईलाइट हो गए। यहाँ पर आप कलर चेंज करना चाहे तो चेंज भी कर सकते हैं, नहीं तो आप कस्टम अपनी मर्ज़ी से फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं कि वो उसका फॉन्ट कौन सा हो, बोल्ड करना है, साइज़ बढ़ाना है, बॉर्डर करना है, फिल करना है, जो आप फॉर्मेटिंग करनी चाहते हैं वो कर सकते हैं। उसके बाद अगली ऑप्शन है हाईलाइट सेल में ही लेस देन हमने देखना हो, लोअर लेस देन हम चेक कर सकते हैं। जैसे हमने 40% से इसमें कोई नहीं है फिलहाल, 50% से लेस देन देखनी है वो शो कर देगा। ऐसे ही हम बिटवीन, जैसे हमने वो तो था लेस देन और ग्रेटर देन का, अब देखना है कि उसके बीच की जो वैल्यू उसको कौन सा कलर करना है, वो हम यहाँ पर जैसे हम देख लेंगे 50 से 60 के बीच में जो है उसको जो कलर देना है वो कलर हो जाएगा। उसके बाद अगली ऑप्शन है इक्वल टू, इसमें अगर कोई पर्टिकुलर वैल्यू का कलर देना है, जैसे 98.7 को हमने अलग कलर देना है, तो वो हम दे सकते हैं। ऐसे ही अगली ऑप्शन आ जाती है टेक्स्ट, और जैसे मैंने यहाँ पर अप्लाई करना है जो टेक्स्ट कंटेंट, मतलब मैंने जिस जैसे मैं देखना चाहता हूँ जिसके नाम के अंदर AM आ रहा है, सच राम और श्याम के नाम के अंदर AM आ रहा है, उसने वो कलर कर दिया। या IT वाला अगर मैंने देखना हो तो रोहित और मोहित के नाम में आ रहा है, उसको कलर कर दिया। ये आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कलर कर सकते हैं। उसके बाद अगली है डेट, यहाँ पर मैं डेट की एक वैल्यू ऐड कर लेता हूँ। जैसे हमने डेट में फॉर्मेटिंग अपनी ऐड, अभी इसमें फॉर्मेटिंग करूँगा मैं, जैसे मैंने यस्टरडे देखनी हो, टुमारो देखनी हो,
लास्ट वीक देखनी हो, ये देखो लास्ट वीक वो कलर हो गया। दिस वीक में इसमें इस महीने की तारीख नहीं आ रही, इसलिए लास्ट मंथ से दिस मंथ देखना हो तो वो सारा कलर हो गया, क्योंकि इस महीने की सारी तारीख है। ऐसे आप अपने हिसाब से डेट पर अपनी फॉर्मेटिंग लगा सकते हैं। उसके बाद लास्ट ऑप्शन है डुप्लीकेट वैल्यू। फिलहाल इस पर हम डुप्लीकेट वैल्यू का लगा लेते हैं, हमने देखना हो कि इसमें डुप्लीकेट वैल्यू कौन सी है। तो सारी, क्योंकि मैंने इसको कॉपी पेस्ट मारा था सारे 2-3 बार, तो सारा ही डुप्लीकेट आ रहा है। तो आप इसमें से यूनिक वैल्यू देख सकते हो और डुप्लीकेट वैल्यू देख सकते हैं। ये ऑब्टेन मार्क आप देख रहे हो वो यूनिक वैल्यू है, इसलिए वो कलर हो गई, अब वो चेक कर सकते हैं। अब इन सभी रूल में से अगर आपसे रिक्वायरमेंट पूरी होती है ठीक है, तो आप मोर रूल पर जाकर अपना कुछ फॉर्मूला लगा सकते हैं। जैसे किसी ग्रेटर देन देखना हो 5, जैसे हमने देखना है ग्रेटर देन इससे डिवाइड बाय 8 करके अगर ग्रेटर देन आता है, तो फिलहाल मेरे ख्याल से 8 डिवाइड करने पर ग्रेटर देन नहीं आएगा, हम डिवाइड बाय 2 कर लेते हैं। अब मैंने यहाँ पर देखना है कि इसमें डिवाइड करने पर अगर ग्रेटर देन आता है तो उसका कलर, बैकग्राउंड कलर रेड हो जाए, ये देखिए, जिसका 800 से डिवाइड करने पर, डिवाइड करने पर अगर 400 से जो ऊपर की वैल्यू, सभी का कलर रेड हो गया। ऐसे आप अपनी अलग अलग कंडीशनें लगाकर नए रूल क्रिएट कर सकते हैं। इसमें भी उसमें तो वो सारे रूल यहाँ पर है। यहाँ पर आप एक लास्ट ऑप्शन है फॉर्मूला, आप यहाँ पर कोई फॉर्मूले के हिसाब से, जैसे आपने कोई फॉर्मूला लगाना हो उसके हिसाब से भी यहाँ पर रूल अप्लाई कर सकते हैं। किसी किसी तरह का, जैसे हम एक्सेल में कोई फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, वो फॉर्मूला यहाँ पर आप जाते हैं कि जैसे मैंने यहाँ पर परसेंटेज निकाली है, अब मैं देखूँगा इस परसेंट, अगर हम डायरेक्ट भी इस पर फॉर्मूला लगाकर हम फॉर्मेटिंग में जाकर उसका रूल निकाल सकते हैं। जैसे एक मिनट, पहले मैं मैनेज रूल करके जो जो रूल अप्लाई हुए हैं वो सारे डिलीट कर लेता हूँ, क्योंकि फिर अभी मैं इस पर, जैसे मैं नया रूल मैं बनाना चाहता हूँ इसमें, कि वो जिसकी मुझे परसेंटेज वाली कॉलम निकालना ना पड़े, ऑटोमेटिकली कलर हो जाए, जिसकी परसेंटेज 50% से ऊपर है उसके नंबर पर कलर हो जाए। तो यहाँ पर हमें फॉर्मूला अप्लाई करूँगा, यहाँ पर जैसे टोटल मार्क्स, नहीं टोटल मार्क्स नहीं सर, इसकी परसेंटेज का फॉर्मूला मैं यहाँ पर लगा दूँगा, जो मैंने परसेंटेज वाले कॉलम में लगाया है, तो मुझे वो फील्ड क्रिएट नहीं करनी पड़ेगी। यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो गई है, देख लेते हैं। मैनेज रूल में जाकर हम अपना फॉर्मूला को एडिट कर सकते हैं। मुझे ये डॉलर नहीं लगाने थे क्योंकि वो वैल्यू आगे सभी पर अप्लाई नहीं होने देगा, इसलिए मुझे वो डॉलर हटाना पड़ेगा, डॉलर साइन जो लगा रखा है। ये देखिए, अभी जिस जिसके 50% से नीचे नंबर है उस पर वो फॉर्मूला, उसको वाइट कर दिया, बाकी को उसने कलर कर दिया। ऐसे आप फॉर्मूला लगाकर वहाँ पर रूल अप्लाई कर सकते हैं, नया रूल। ये तो थे पहले हाइलाइटी के रूल। उसके बाद अगले आगे टॉप 10, उस पर वो कलर कर देगा जो आपने निकालने हो, टॉप 10 कौन से है, टॉप 11 जैसे आपने निकालने हो उस पर कलर कर सकते हैं। उस पर टॉप 2 रूल, मतलब कि आपने जैसे निकालते हैं टॉप टॉप कौन से है, बॉटम से नीचे कौन से आ रहे हैं, टॉप परसेंटेज कितनी है, बॉटम से नीचे से 10 कौन से है, ऐसे आप इस पर भी फॉर्मेटिंग लगा सकते हैं। अबोव एवरेज, और जो आपने
एवरेज से, जो इसकी टोटल एवरेज निकलती है उसके एवरेज से ज़्यादा किसके है वो, उसके बाद बिलो एवरेज ऐसे ही निकाल सकती है। अगला रूल है डाटा बार। इसमें जैसे ये टोटल ले लेगा, उस जो इसमें मैक्सिमम वैल्यू है उसका टोटल ले लेगा, उसके हिसाब से उसकी परसेंटेज को बार्स बन जाएगी, कौन कितने बार्स, ये भी आप अप्लाई कर सकती है। इसमें डिफरेंट डिफरेंट कलर है, सॉलिड बार है, ये थोड़ी शेडो वाली बार है। ऐसे कलर फॉर्मेटिंग में है जो सबसे ज़्यादा है उसमें ग्रीन कलर, इसमें भी आप कस्टम कलर लगा सकते हैं। वो कम में है उसका देखिए रेड कलर आ गया, ऐसे आप लगा सकते हैं। और उसके बाद आइकॉन आ रहे हैं इसमें डायरेक्शनल, जैसे जिसकी आपने लगाना हो दो तीन वैल्यू में से, कौन सा इंक्रीज़ कर रहा है, कौन सा डिक्रीज़ कर रहा है, कौन इसने निकाल दिया है कि जिसकी वैल्यू ज़्यादा है वो इंक्रीज में डाल दिया है, वो टोटल एवरेज निकाल कर जो मीडियम है उसको येलो एरो कर दिया, और जिसकी एरो एवरेज से कम आ रही है उसको उसने नीचे को डाल दिया है। ऐसे आप डिफरेंट डिफरेंट आइकन अप्लाई कर सकते हैं। तो आप इसमें से अपने हिसाब से अप्लाई कर सकते हैं। अब उसके बाद आता है ऑप्शन न्यू रूल की। अगर आपको सभी में से कोई रूल आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से सही नहीं बैठता, तो आप यहाँ पर न्यू रूल में अपना अपनी मर्जी से रूल अप्लाई कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर आता है टू कलर रूल, थ्री कलर रूल, डाटा बॉक्स लगाने हैं, आइकॉन सेट लगाने हैं, या कस्टम रूल अपने अपने हिसाब से क्रिएट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी कंडीशनल फॉर्मेटिंग। आपको सिंगल सिंगल वैल्यू को कलर करने की ज़रूरत नहीं है, उसमें कलर अलग अलग फॉर्मेट लगाने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल आप उसको सेलेक्ट करें, वैल्यू जो आप कंडीशन लगाना चाहते हैं वो आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें काम बिल्कुल आसानी से और जल्दी से हो जाता है। ये देखिए मैं थोड़ी सी इसकी फॉर्मेटिंग कर देता हूँ पहले। तो अगर आपने अकेले अकेले इसको फॉर्मेटिंग को बनाना हो, ये तो छोटी सी लिस्ट है। अगर आपने बहुत बड़ी लिस्ट बनानी हो, उसको अकेले अकेले को आपने फॉर्मेटिंग लगानी हो, तो आपको इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है। आप इसे कंडीशनल फॉर्मेटिंग से मिनटों में कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।